वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने ब्लैकआउट की जिम्मेदारी भी नून लीग की हुकूमत पर डाल दी। उमर अयूब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी तनकीद की, जिस पर पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। ये साबका हुकूमत में 5 साल में 8 बार हुआ था मुख्तलिफ चीज पे, और उनको दिन लगे थे इसको, पार्शल ब्रेकडाउन पे भी उनको बहुत टाइम लगा था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चेयरमैन पिशावर और इन जगहों को 3 घंटे के अंदर अंदर एनर्जाइज किया, और पूरे मुल्क को हमने 8 घंटे में एनर्जाइज करा दिया था, उससे भी कम टाइम पे। सुबह 8 बजे आपके पाकिस्तान में बिजली आ चुकी थी। मिस प्लानिंग साबका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 से 2018 तक जो गलत प्लानिंग की, जो गलत फ्यूल मिक्स लाया, उसका खुमियाजा आज आप सारी की सारी कौम वो भुगत रही है। आप ये अंदाजा लगा लें जनाब चेयरमैन, इनकी हुकूमतें गुजरी हैं, इनके सेवन शरीफ में, लाड़काना में, इन जगहों ने इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। वहां पे हम लोग जाके वो क्लियरेंसेस कर रहे हैं, वो कुंडा कल्चर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनको एहसास उस वक्त होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी के हुकूमत के लोगों को, उस वक्त जिस वक्त इनका सदर आसिफ अली जरदारी साहब मिस्टर 10% बन के पाकिस्तान का खजाना इन्होंने खाली किया था। आज इनको तकलीफ हो रही है जनाब चेयरमैन, आज इनको तकलीफ इसी वजह से हो रही है क्योंकि इन्होंने अवाम के पैसे लूटे हैं। इसी पर बात करेंगे सीनियर तज्जिया का। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हस्बे रिवायत ब्लैकआउट की जिम्मेदारी साबका हुकूमतों पर डाल दी गई है, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? ये चूंकि आपने देखा है कि पीटीआई की ये पॉलिसी है और उनका वतीरा बन चुका है कि बगैर ये सोचे समझे कि हमें आए हुए कितना अरसा गुजर चुका है या जो वाकया रूनमा हुआ है उसकी नौयत क्या है, हर बात ये कह देते हैं कि जी पिछली हुकूमत पर। उसी के तनाजर में हमने देखा कि उमर अयूब साहब जो एक सियासी खाना बदोश है, पार्टियां बदलते रहते हैं बड़ी तेजी के साथ, अब वो कह रहे हैं कि ब्लैकआउट की जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर आयद होती है। हालांकि जो उसकी अब तक की इंक्वायरी सामने आई है हुकूमती जराये से, उसमें बड़ा बहुत वाजे है कि चंद अफराद की जो गफलत थी उसके सबब ये सारा मामला हुआ, और ये नलायकी की तो खैर बहुत बड़ी एक अलामत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन ये बात इस तरह से कहना है जी पिछली हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई हवाला नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहमकाना सूरत हाल बनती जा रही है। फिर इनको आए हुए 2.5 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है, अगला साल तो इलेक्शन ईयर के तौर पर शुमार होगा, और हर शोबे के अंदर इनकी कारकर्दगी ऐसी ही है। ये अब हर बात पर कह देना जी पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, वो ये तो मैं समझता हूँ कि ये हमाकत है बिल्कुल। अब और पब्लिक जान चुकी है कि इस तरह की बातों में कोई वजन नहीं, ये कच्यानी बिल्ली खंभा नोचे, हर बात पिछली हुकूमत, हर बात पिछली हुकूमत। भाई आप अपना जवाब दो, अगर वो भी करके गए तो आपने 2.5 साल क्या किया? कुछ भी नहीं किया, और ना ही अंधा होने का इम्कान है कुछ अरसे में। तो ये जो इनकी सियासी हकूमत अमली है उसका हिस्सा है, लेकिन ये पिट रहा है और आवाम जान चुके हैं कि इसमें कोई वजन नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब आपके वक्त का।